अरे वाह, ओ माय गॉड, मिल गया। मैंने 14 किलोमीटर का सफर किया। बहुत ही खतरनाक जंगल है ये, और ये जरूर तेंदुए का शिकार रहा होगा। तो मुझे वापस जाना है वहाँ पे। अब मैं ये सोच रहा हूँ मैं वापस कैसे जाऊँगा। रात के तकरीबन 3 बज रहे हैं और मैंने अभी एक टूटता तारा देखा है जो कि सामने वाली पहाड़ी पे जाके गिरा है। तो आज मैं फ्री था तो मैंने सोचा चलो आज चलते हैं उसे ढूंढने के लिए। और चलो करते हैं अपना सफ़र शुरू। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और आज जेमिनी मेट्रोइड शावर पीक पे था, तो सारी रात मैं सोया नहीं शावर देखने के लिए और कुछ टूटते तारे भी दिखे। सुबह के 5 बज चुके हैं और मैंने तकरीबन रात के 3 बजे देखा था तारा जो कि सामने वाली पहाड़ी पर टकराया था। और आप देख सकते हैं सामने पहाड़ियाँ और काफ़ी ठंड भी हो चुकी है क्योंकि बर्फबारी हो चुकी है एक बार शिमला में। और अब हम सड़क के पास ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा, नदी भी है। अब हम देखते हैं कोई लिफ्ट मिल जाए हमें, काफ़ी सफ़र तय करना है। अभी तो सफ़र की शुरुआत ही है, मुझे पता भी नहीं है कितने किलोमीटर हमें दूर जाना है। काफ़ी देर सड़क पे वेट करने के बाद लिफ्ट नहीं मिली तो अब हम चल रहे हैं शॉर्टकट से। बहुत ही सुंदर पहाड़ और जंगल, पर जितने सुंदर उससे भी ज़्यादा खतरनाक। अभी दिन का ही समय है तो हमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, पर हमें सतर्क रहना होगा और कोशिश करनी होगी कि ये सफ़र आज ही ख़त्म हो जाए। हमें आज ही रात होने से पहले घर वापस आना होगा। हमें आज ही अपना सफर खत्म करना है तो थोड़ी स्पीड बढ़ानी होगी। तो मेरे पास ये एक मैग्नेट है तो हम मैग्नेट टेस्ट करके पता लगाएंगे कि पत्थर वो मेटेराइट है कि नहीं है। जो पहचान होगी मेटेराइट की वो होगा कि बहुत ही वो काला होगा, क्योंकि जब वो पृथ्वी में प्रवेश कर रहे होते तो उस वक्त बहुत गर्म हो जाते हैं वो। तुम चलते हैं खोज की ओर। ये विशाल बांस, हम उसके पास नहीं जा सकते क्योंकि अक्सर यहाँ से विशाल बांसों के झुंड में सांपों के रहने का डर होता है, तो कोई खतरा मोल पे नहीं ले सकता मैं क्योंकि इस वक्त मेरे पास कोई डंडा भी नहीं है और आसपास कुछ ऐसा है भी नहीं जिसका मैं एक डंडा बना सकूं। अब हम पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बहुत ही सुंदर और पुराना मंदिर है। मंदिर के दर्शन करके हम आगे बढ़ते हैं। कितनी प्यारी धूप खिली हुई है, ठंड भी लग रही है पर धूप से अच्छा भी महसूस हो रहा है। पता नहीं आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, पर आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो सामने पहाड़ हैं काफ़ी दूर हैं, पर उन पहाड़ की चोटियों पर ग्लेशियर अभी भी मौजूद हैं। शायद ये भारत तिब्बत सीमा पे जो पहाड़ियाँ हैं ये वही हैं। Thank you.
ये देखो ये रहा किसी पशु का कंकाल, देखने में तो गाय की तरह ही लग रहा है। इसका शिकार जरूर तेंदुए ने किया होगा, मैं तभी शुरू से ही कहता आ रहा हूँ बहुत ही खतरनाक है ये पहाड़ जंगल। अब हम और ऊपर वाली सड़क पे आ चुके हैं, यहाँ पर कोशिश करते हैं शायद हमें कोई लिफ्ट मिल जाए। और ये जो आप पहाड़ पर देख रहे हैं ये है घास, लोग इसी घास को अपने पशुओं को खिलाते हैं। तो अब हमें लिफ्ट मिल चुकी है छोटे हाथी पे, पहाड़ों पे यही चलता है छोटा हाथी, इन्होंने भी उसी तरफ जाना था तो ये हमें रास्ते पे छोड़ देंगे। तो वहां से जहां पे उतारेंगे वहां से हम पैदल चढ़ाई फिर से चढ़ेंगे। अब तक का तो बहुत शानदार सफर रहा है, पूरी मैन वर्सेस वाइल्ड वाली फीलिंग आ रही है। हमने अपना सफ़र सुबह 5 बजे शुरू कर दिया था और अब तक करीबन 12 बजने वाले हैं। हम सबको प्यास भी बहुत लगी हुई थी और हमें एक बोड़ी दिखी तो हमने गाड़ी रुकवा दिया यहाँ पे। ये बोड़ी का पानी है और ये बिल्कुल साफ पानी है, आप इसे पी सकते हो। ये पहाड़ से निकल रहा पानी, देखो ठंडा एकदम ठंडा। सर्दी हो या गर्मी ये पानी हमेशा ठंडा ही रहता है और मुसाफिरों की प्यास भी बुझाता है। पानी पीकर हमने फिर से अपना सफर शुरू कर दिया और भाई साहब हमें कुछ किलोमीटर आगे छोड़ देंगे। तो भाई साहब को नीचे गांव की तरफ जाना था तो हम मोड़ पर ही उतर गए और हम थोड़ा सा सफर अब पैदल तय करेंगे। अब हमें सड़क को छोड़कर पहाड़ की ओर जाना होगा कच्चे रास्तों पर। आप देख सकते हैं सामने जो पहाड़ है, हम इन पहाड़ों से आए हैं, इतना सफर किया, देखते हैं हमें कामयाबी मिलती है कि नहीं मिलती। अब हम पहुंच चुके हैं और मुझे सामने वो लोकेशन भी दिखाई दे रही है ऑलमोस्ट, चलो पास जाके देखते हैं। मुझे मेट्रोइड गिरता है अगर वहाँ पे घास हो
आग लगने का भी बहुत डर रहता है। ये कुछ दिखाई तो दे रही है, तो आलू है। These are potatoes grown by these farmers. पीछे जो लेडी थी शायद लग रहा है ये उनके आलू हैं। मुझे भूख भी लगी है, मैं काफी चलकर जो आया हूँ यहाँ पे। एक खुली आग लगी, आप देख सकते हैं, ये लग रहा है मुझे यहाँ पे हीटवेव गिरा है। ये जो आग लगी है मुझे लग रहा है कि मीटराइट गिरा है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे मुझे दिखाई तो दे रहे हैं, ढूंढना मुश्किल है। आग हल्की हल्की गर्म है पर मैं हाथ लगा सकता हूँ। अरे वाह, ओह माय गॉड, मिल गया। ये देखो चुंबक चुंबक गीत से, ये देखो गरम नहीं है, मैं पकड़ सकता हूँ इसे हाथ में। काफी देर हो चुकी है इसे गिरे हुए। मैंने 14 किलोमीटर का सफर किया और ये आज मुझे मिल गया। और आप देख सकते हैं ये चुंबक इसके साथ चिपकी हुई है। मज़ा आ गया। अब मुझे वापस जाना है वहाँ पे। अब मैं ये सोच रहा हूँ मैं वापस कैसे जाऊँगा। आप देख सकते हो वो सामने पहाड़, मुझे वापस जाना वहाँ पे। और ये अराउंड 40 किलोमीटर की जर्नी होगी वापस जाने की भी, क्योंकि सीधे सीधे पहाड़ तो होते नहीं है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मुझे वापस जाना है और मुझे भूख भी लगी है, कुछ खाता हूँ और फिर मैं वापस जाता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आऊँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।